तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हमारे साथ इंटरव्यू में है ऋषभ भाई। तो भाई आईसीआईसी बैंक में जॉब कर रहे हैं और स्पेशली हमने इनसे टाइम लिया है कि आज हम आप सभी को बता सकें कि कैसे हम आईसीआईसी बैंक में, अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट भी हैं, तो कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है तो ऋषभ भाई, पहले बताइए क्या हाल चाल है आपके। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे कमल भाई? हेलो एवरीवन। हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। और आपका सबसे पहले तो थैंक्स कहते हैं कि आप हमारे सारे कैंडिडेट्स की हेल्प करने के लिए यहाँ पर हमारे चैनल पर आए हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि मतलब आपने आईसीआईसी बैंक को कब ज्वाइन किया था। आई ज्वाइंट आई सी सी बैंक इन 2020। मुझे अप्रॉक्स 4 ईयर्स होने ही वाले हैं आई सी सी बैंक में, एंड माई फर्स्ट पोस्टिंग वॉज एट जलंधर लोकेशन। तो मैंने वहाँ पर एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मैनेजर ज्वाइन किया था, क्योंकि आई डिड माई ग्रेजुएशन इन सिविल इंजीनियरिंग। तो वहाँ पे मैं 45 ब्रांचेस को हैंडल कर रहा था। आई वॉज लुकिंग आफ्टर द लीज साइनिंग एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट ऑफ दैट ब्रांच। और मतलब जैसे आपने एज ए फ्रेशर कैंडिडेट ही ज्वाइन किया था यहाँ पे। जी हाँ, मैंने एज अ फ्रेशर ही ज्वाइन किया था बैंक को। ओके, तो मतलब जब आपने ज्वाइनिंग की थी तो क्या आपने किसी का रेफरेंस लिया था या फिर किस तरीके से आपकी ज्वाइनिंग हुई थी। एक्चुअली मेरा ज्वाइनिंग तो एक रेफरेंस के थ्रू ही हुआ था। मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने मेरा रेफर किया हुआ था सीवी। आफ्टर दैट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एचआर। तो इंटरव्यू हुआ मेरा, जीडी के लिए मुझे बुलाया गया। तो उसके बाद फाइनली मेरे को शॉर्टलिस्ट किया गया, और मुझे मेरा बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग से था, इसीलिए मुझे प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट किया गया था। तो अब जब कैंडिडेट ये सब कुछ सुन रहे होंगे तो बाकी क्वेश्चन मुझे बहुत आते हैं कि सर आप जॉब बता देते हो लेकिन रेफरेंस के बिना नहीं जा होता है। तो मैं सबसे पहले ये ना क्वेरी दूर करना चाहता हूँ। देखिए, अब आपने जैसे बताया कि आप रेफरेंस के थ्रू गए थे, अब कैंडिडेट्स ये जानना चाहते हैं कि क्या सर अब हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं है, है ना। तो अगर हमें जाकर अप्लाई करना है तो क्या हम भी आईसीआईसी बैंक में अप्लाई ऐसे करके जॉब ले सकते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है ना बैंक का, यहाँ पे दो आपको ऑप्शंस मिलते हैं रेफरेंस के अलावा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, आप आईसीसी बैंक लिमिटेड की कैरियर साइट पे जा सकते हैं। वहां जाकर आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस है, डजेंट मैटर। बैंक फ्रेशर्स के लिए भी वर्क करती है, उनको भी अपॉर्चुनिटी देती है। तो आप वहां पर जाके अपना सीवी अपलोड कर सकते हैं। आपकी सीवी को जब एचआर अच्छे से रिक्रूट करेगा तो आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको कॉल आ जाएगा। सेकेंड चीज, बैंक में हमारा एक प्रोविजनरी ऑफिसर प्रोग्राम भी होता है, जिसको आप ज्वाइन करते हैं तो 1 ईयर का प्रोग्राम होता है आपका। ये आपका बैंगलोर लोकेशन को होता है, जिसमें आपको बैंकिंग की टर्म्स के लिए क्लियर किया जाता है। आप बैंकिंग टर्म्स को लेकर साउंड हो जाते हैं, जिससे आपको बैंक सीधा डेप्टी मैनेजर की पोस्ट पे हायर करता है। एंड सेकंड, अगर आप लोअर पोस्ट पे भी जाना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप उस कोर्स को परस्यू नहीं करना चाहते हैं 1 ईयर के कोर्स को, तो यहाँ पे 45 डेज का भी एक अप्रॉक्स इस पीरियड का एक कोर्स है, जिसमें जिसके थ्रू आप बैंक को एज अ सेल्स ऑफिसर या सीनियर ऑफिसर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने ना भाई एक वीडियो बनाई थी पहले, इन दोनों प्रोग्राम से बनाई थी। तो कई अब कैंडिडेट्स कहते हैं कि सर इसमें क्या कुछ मुश्किलें होती हैं, हमें जॉब मिलती है, तो आप तो इंटरनल वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो ये प्रोग्राम सच में वर्क करते हैं मतलब कैंडिडेट के लिए। प्रोग्राम मैं ऑनेस्टली बताना चाहूंगा अपने फ्रेंड्स को, ये प्रोग्राम बहुत बेस्ट है। स्पेशली 12th के बाद आप BSc या BCom कर सकते हैं, कि और उसके बाद आपका ग्रेजुएशन होने के बाद वो मिनिमम 55% का इनका क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया भी उन्होंने बहुत वाइड नहीं किया हुआ है, 55% अगर आपके हैं देन यू कैन गो फॉर दिस प्रोग्राम। आपका सिंपल स्टेप्स हैं, पहला आपका एक रिटन एग्जाम होता है, जो आपका बेसिक एप्टीट्यूड नॉलेज, आपका रीजनिंग नॉलेज एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज वो चेक करते हैं आपका। आफ्टर दैट इफ यू विल गेट क्लियर द एग्जाम, दे विल कॉल यू फॉर द ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू। एंड बेस्ट पार्ट ये है, मुझे लगा एक्चुअली व्हाट आई फेल्ट ड्यूरिंग माय इंटरव्यू, कि वो आपका ना नॉलेज चेक नहीं करते इंटरव्यू में। नॉलेज आपका एग्जाम पार्ट में चेक हो गया, तो जो बेस्ट पार्ट है इंटरव्यू में, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं। तो मुझे लगता है कि इंटरव्यू क्रैक करना तो एक बड़ा टास्क नहीं है। अगर आपका बेसिक एप्टीट्यूड क्लियर है, देन यू कैन इजिली ज्वाइन आईसीआईसीआई बैंक एज अ डिप्टी मैनेजर। अब ये तो हमने बात कर ली प्रोग्राम्स के बारे में। देखिए, यहाँ तक क्लियर हो गया कि अगर कैंडिडेट प्रोग्राम के थ्रू जाएंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा ना। अब मान लो एक पर्सन ने क्या किया कि उसने कैरियर से अप्लाई कर दिया, ठीक है, जैसे मैं वीडियोस में बताता रहता हूँ कैरियर से अप्लाई करो, तो उसके बाद उसकी अब इंटरव्यू होगी। तो हम थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं कि मतलब इंटरव्यू में क्या राउंड्स होते हैं, कैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, अगर ये बता दें। ये ना डिपेंड करता है आपका, आप फ्रेशर का इंटरव्यू हो रहा है या फिर एक्सपीरियंस पर्सन का। और सेकेंड चीज, मेन चीज ये है कि वो किस प्रोफाइल के लिए आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। अगर वो आपका SO लेवल पे ले रहे हैं,
ठीक है, तो मे भी हो सकता है कि वहाँ एक सिंगल राउंड होगा जो आपका मे भी रिपोर्टिंग हो सकते हैं, वो आपका इंटरव्यू ले सकते हैं, या उस कंसर्न डिपार्टमेंट के जोनल हेड हैं वो आपका इंटरव्यू ले सकते हैं, तो उस पोस्ट पे वन सिंगल इंटरव्यू पे आपका हो जाएगा। लेकिन आप किसी बड़ी पोस्ट के लिए जा रहे हैं लाइक जोनल लेवल के लिए या एजीएम लेवल के लिए, मे बी देयर कैन बी टू और थ्री राउंड्स। और इसमें ये भी होता है जैसे अब ज़्यादातर कैंडिडेट्स तो प्रेफर करते हैं स्टार्टिंग में कि सर हमें ब्रांच बैंकिंग में जाना है, जैसे कैशियर की जॉब हो गई या वैसे कोई रिलेशनशिप मैनेजर की, तो इस जॉब के लिए कुछ अगर बता दें आप। देखिए इसमें मैं बस यही कह सकता हूँ कि आप अपना पॉइंट दे सकते हैं, अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं कि आपको कहाँ मतलब किस डिपार्टमेंट में या किस प्रोफाइल पे जाना है, बट ना ये टोटली डिपेंड होता है एचआर के ऊपर, आपके इंटरव्यू के ऊपर, आपका बैकग्राउंड। जैसे मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से था तो उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए लिया। अब एज अ कैशियर मैं जाता तो आइडियली मुझे नहीं लगता कि लॉजिकली मैं फिट हो पाता, तो वो आपका बैकग्राउंड और आपका इंटरव्यू के बेसिस पे एचआर आपको एक बेस्ट रोल एडवाइस करता है, आप उसी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे एक सीए एप्लीकेंट है, कोई सीए कैंडिडेट है, तो उसके लिए क्रेडिट ही एक बेस्ट ऑप्शन है। अब सीए को आप कैशियर के पोस्ट दोगे तो मुझे नहीं लगता दैट विल बी ओके फॉर दैट कैंडिडेट। तो ये हमारे को सोचने का पॉइंट नहीं है कि हमें किस में जाना है, हमारे लिए जो बेस्ट प्रोफाइल है वो एचआर हमें अलोकेट कर देगा। मतलब अब समझने वाली बात यह है कि जो मैं कैंडिडेट्स को यहाँ पर समझाना चाहता था इस क्वेश्चन से कि यहाँ पर करना क्या है, अगर कोई जा रहा है बैंक में कैरियर पे से अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो वो इंटरव्यू दे, इंटरव्यू देने के बाद वो एचआर डिसाइड करेगा कि उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसके लिए कौन सी पोस्ट फिट बैठती है ना। मतलब राइट एक कैंडिडेट के लिए ये रहेगा रेदर देन कि वो बंदा स्टार्टिंग से कहे नहीं मैम मुझे तो यही पोस्ट चाहिए, सर मुझे तो यही पोस्ट चाहिए। एग्जैक्टली, तो ये ठीक है, ये आपकी एक रिकमेंडेशन है, हाँ अच्छी चीज़ लगी मुझे। और क्वालिफिकेशन अगर हम बात करें, मिनिमम ग्रेजुएशन तो चाहिए ही होगी ना। हाँ मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए होता है, और जैसे आपका जो भी ग्रेजुएशन है उसी के अकॉर्डिंग एचआर आपका रिक्रूटमेंट करते हैं, तो बेसिक ग्रेजुएशन ही चाहिए, और बाकी आपका तो पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो आपके लिए ही प्लस पॉइंट है। और कोई अगर 12th पास आउट कैंडिडेट के लिए कुछ है ऐसे कोई चांस? नहीं 12th के लिए तो नहीं है कोई भी। बैंकिंग सेक्टर में आप हर तरह के कस्टमर से डील करते हैं, मे बी वो अच्छे बिजनेस बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं, सर्विस बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं, तो बैंक का थॉट ये है कि एक ग्रेजुएट कैंडिडेट इजीली हैंडल कर सकता है हर तरह के कस्टमर, क्योंकि बैंक का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है, वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर इज एवरीथिंग फॉर अस, तो कस्टमर को बेस्ट सर्विस देने के लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट ही बेस्ट रहता है, जो अच्छे से उनके पॉइंट को अंडरस्टैंड कर सकता है। और एक चीज जो और भाई कैंडिडेट्स की रहती है तो वो ये है कि कहते हैं कि सर बैंक जॉब में ना हमें प्रेशर बहुत देखने को मिलेगा, टारगेट बहुत देखने को मिलेंगे, तो इस पर आप मतलब क्या कहना चाहते हो कैंडिडेट? मैं ये कहना चाहूंगा कि टारगेट और प्रेशर तो देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन में है, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होगा जिसमें टारगेट की बात ना हो। एंड हम लोग पता है दिक्कत कंपनीज की नहीं है, मैं फ्रेंकली बोलूंगा दिक्कत हम लोगों के अंदर है कि हम एक टारगेट को इस वे में दिखते हैं चैलेंज के रूप में, बट टारगेट ही एक ऐसा प्लस पॉइंट है जो हमें आगे पुश करता है एक अचीवमेंट के लिए, क्योंकि हमारे कैरियर में अगर हमें एक अपना बेंचमार्क सेट करना है ना तो वो टारगेट के थ्रू ही हो सकता है। अगर मेरे सीनियर्स ने मुझे टारगेट दिया है, फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे टारगेट है 95% मुझे क्वेरीज को रिजॉल्व करना है, अगर मैं 94 भी कर पाता हूँ 94%, तो मेरा बेंचमार्क हो गया कि 94% मेरा अचीवमेंट है खुद का, जो मुझे खुद सेटिस्फाई करता है और आगे मुझे को और बेस्ट करने के लिए पुश करता है। अगर कोई बेंचमार्क ही नहीं होगा तो हम पता है खुद के लिए बेस्ट लॉयर होते हैं, ये आप भी मानते होंगे, तो अगर बेंचमार्क नहीं होगा ना तो हम हमेशा खुद की परफॉर्मेंस को बेस्ट ही जस्टिफाई करेंगे अगर हम गुड नहीं है तो भी। तो मेरे को लगता है कि टारगेट एक प्लस पॉइंट है और हमें उसे पॉजिटिव वे में ही लेना होगा। एंड उसके लिए मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगा साथ में कि ना थोड़ा सा डिपेंड करता है ये हमारे लीडर के ऊपर, ठीक है। टचवुड जो मेरे लीडर रहे हैं उन्होंने मुझे हमेशा एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट दिया, जिसकी वजह से मेरे को जो मेरा टारगेट था ना वो मुझे कभी टारगेट लगा ही नहीं, वो मेरे को अपना एक अचीवमेंट लगा। उन्होंने मुझे हमेशा एक गाइड किया, एक राइट डायरेक्शन दिया मुझे, जिससे मैं इजिली उसको क्रैक कर पाया उनके सपोर्ट से। तो ये हमारी खुद के ऊपर है हम उस चीज को किस वे में देख रहे हैं।
तो बेसिकली बात यही है कि मतलब जो कैंडिडेट्स अभी स्टार्टिंग से क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं, मतलब जो एक बंदा जॉब कर रहा है ना बैंक में, वो दूसरे को मतलब जो नया कोई आएगा उसको ये कहता है कि यार यहाँ पे मत आना। टारगेट तो हम बचपन से हमारी लाइफ में खुद बने हुए हैं। जैसे हम 10th क्वालिफाई करते हैं तो हमारा वहाँ एक टारगेट है, हमें फर्स्ट डिवीजन से क्लियर करना है। हमारा खुद का टारगेट होता है, हमें 12th फर्स्ट डिवीजन से क्लियर करना है, ग्रेजुएशन करना है। हमारा खुद का एक विजन होता है कि हमें एग्जाम्पल बैंकर बनना है, CA बनना है, उसके लिए भी हम अपना एक बेंचमार्क क्रिएट करते हैं। तो ये तो एक प्लस पॉइंट है। तो मैं अपने फ्रेंड से यही कहना चाहूंगा कि आप इसको ना एक पॉजिटिव वे में ही ले और उस टारगेट के बेसिस पे आप खुद को कैरियर में ग्रोथ करें। अब चलिए टारगेट की हमारी बात होगी क्लियर ना, मतलब जो आएगा तो उसको पता है कि मुझे काम करना है, मुझे आगे मतलब अचीवमेंट लेनी है तो मैं आगे चीजें कर पाऊंगा, ठीक है। अभी तो और गवर्नमेंट बैंक बैंक्स में जो भी टारगेट दे रही हैं, अभी तो सभी गवर्नमेंट सेक्टर भी अच्छे से काम, मतलब कहने का मतलब है वो भी टारगेट कंपटीशन बेसिस जॉब कर कंपटीशन रहे दे रहा है हैं। पूरा जी। नहीं ठीक है, और ये होगी चीज़ ना। अब देखिए मतलब अगर टारगेट्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, तो साथ में अब ये जानना चाहते हैं कि कैंडिडेट्स मतलब अर्निंग कितनी कर पाएंगे। अगर कोई फ्रेशर आता है कैंडिडेट, तो मतलब वो कितनी स्टार्टिंग उसकी सैलरी ले सकता है वो। देखिए, सैलरी की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये डिपेंड करता है आपका टोटली आपके नॉलेज, आपकी स्किल्स और आपके पास एक्सपीरियंस पे। ठीक है, सैलरी को वैसे बैंकिंग सेक्टर की मैं बात करता हूँ तो एक कैपिंग होता है कि इस ग्रेड से इस ग्रेड तक का आपको इतना कैपिंग रहता है। लेकिन ना टोटली डिपेंड करता है ये आपके अपनी नॉलेज के ऊपर। अगर मेरे को एक साउंड नॉलेज है, मैं खुद को इस प्रोफाइल के लिए परफेक्ट फिट प्रूफ कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली कंपनी मुझे अच्छा पैकेज ऑफर करेगा। अगर मैं उसके लिए परफेक्ट फिट नहीं हूँ तो मे भी हो सकता है लिटिल बिट अदर की कंपैरिजन में कुछ हो सकता है। तो सैलरी की हम बात करते हैं, बैंकिंग सेक्टर एक अच्छा सैलरी अच्छा पैकेज देता है और ये टोटली डिपेंड करता है आपके खुद की नॉलेज के ऊपर। अगर आपको मतलब अपना जो मेरे नॉलेज साउंड फ्रेंड्स है तो आप इजीली अच्छा पैकेज ले सकते हैं। मतलब जो मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड्स जो जॉब करते थे मतलब बैंक में जॉब कर रहे हैं अभी, तो मैंने भी इंटरव्यूज वगैरह दी हैं, तो आई थिंक जो मैं एक बात करना चाहता था कि एक फ्रेशर कैंडिडेट मिनिमम 14 to 15 thousand तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी लग जाएगी अगर नॉर्मल पोस्ट पे भी जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 14-15 जैसा आपने पॉइंट किया यहाँ पर, तो मुझे लगता है वो इससे बेटर भी ले सकते हैं। क्योंकि मेरी टीम में कुछ लोग हैं, उन्होंने एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया है। मैं सैलरी उनका डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट हाँ नहीं कर सकते। उनका एवरेज जो है 25 के अप्रोक्स मंथली होता है। ठीक है, क्योंकि डिपेंड करता है नॉलेज के ऊपर आपका, और आप किस प्रोफाइल के लिए हैं। आप बैंक में एज अ ऑफ रोल आ रहे हैं या ऑन रोल आ रहे हैं, यहाँ पे कई सारे रोल्स होते हैं, और किस रोल पे आपको बैंक कितना ऑफर कर रही है, ये टोटल डिपेंड करेगा आपके नॉलेज के ऊपर। और एक बैंक में ऋषभ भाई मुझे लगता है एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर इंसेंटिव अच्छा खासा बन जाता है अगर बंदा एक अच्छा हुआ करता अगर है। मैं आईसीसी बैंक की बात कर रहा हूँ तो आईसीसी बैंक की प्लस पॉइंट मुझे ये लगता है कि बैंक की नजर में ना वो सभी एम्प्लॉयज को इक्वल मानते हैं। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज के लिए इंसेंटिव वाला पार्ट नहीं है। ऑन रोल स्टाफ के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो ये मानते हैं हमारा हर स्टाफ काम कर रहा है इक्वली। तो बैंक ने एक ईयरली बोनस दिया हुआ है एम्प्लॉयज के लिए, वो आपको अप्रैल की सैलरी में बैंक की साइड से आता है। तो वो इक्वली हर एम्प्लॉय के लिए है। ऐसा नहीं है बैंक ये नहीं करता आप इतना टारगेट करेंगे आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा, क्योंकि बैंक का थॉट ये है कि हमारा हर एक एम्प्लॉय पॉजिटिवली अच्छा वर्क कर रहा है। मतलब ये है कि जैसे हाँ हमने देखा है अदर बैंक्स में अदर कंपनीज में, उसमें क्या होता है मैनेजर को ज़्यादा इंसेंटिव आ गया, जूनियर लेवल को कम आ गया, तो मतलब आईसीआईसी बैंक ने इस तरीके से हाँ, किया है ये कि सभी बैंक का को मुझे प्लस सेम। पॉइंट लगा, क्योंकि बैंक सीनियर लेवल से लोअर लेवल तक सभी को इक्वली ही देखती है कि हर एम्प्लॉय इक्वल है, इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा है बैंक के प्रॉफिट में। तो आपका एनुअली बोनस मिलता है बैंक की साइड से। तो अब ये हमने देखिए सारी बात कर ली, अब हम एंडिंग की ओर जा रहे हैं। मतलब बेसिकली जो आपने बात की है वो अगर हम बात करें एक फ्रेशर कैंडिडेट के समझने के लिए, तो हो सकता है उसके लिए थोड़ी सी ये बातें डिफिकल्ट हो समझनी कि जो हमने बात कर ली टारगेट की एंड सारी। कंक्लूजन हम ये करते हैं कि अगर एक फ्रेशर भी आ रहा है अप्लाई करने के लिए, उसके पास एक तो कैरियर पे से वो अप्लाई कर सकता है, ठीक, एक तरीका ये हो गया। सेकंड, आपने हमें बताया कि हम जो प्रोग्राम्स हैं आपके ना, PO प्रोग्राम एंड जो एक 45 डेज का प्रोग्राम, उसके थ्रू आ सकता है। एंड थर्ड, फिर वो रेफरेंस के लिए भी तो अप्रोच कर ही सकता है ना, अगर किसी बैंक में जाए या किसी से बात करे थोड़ा। नहीं, रेफरेंस के लिए जैसे आप ये कर सकते हैं, जैसे डायरेक्ट हायरिंग भी होती है। लाइक ब्रांच बैंकिंग में अगर आपका डायरेक्ट हायरिंग हो रहा है, आप कभी ब्रांच विजिट करते हैं सर्विसेज के लिए, तो
तो आप वहाँ पे जो आपके मैनेजर हैं, जो ऑफिसर जिससे आप बात कर रहे हो, आप उनसे एक बार बात कर सकते हो कि यहाँ पे कोई हायरिंग है क्या, तो उसकी बेसिस पे भी वो आपके रेफर कर सकते हैं आपको एचआर में। एक चीज मुझे बताना, जैसे मैं ना अपनी वीडियोस में ज्यादातर कैंडिडेट्स को कहता हूँ कि आप ऑनलाइन पे भरोसा तो रखते हो, लेकिन मैं उनको ज्यादा प्रेफरेबल ये करता हूँ कि आप ना डायरेक्टली जाओ। अगर आपके नियर बाय 5-10 ब्रांचेज है ना, अलग अलग भी हैं, अगर आपको बैंकिंग में काम करना ही है, बैंकिंग सेक्टर में, तो आप डायरेक्टली जाओ, रिज्यूमे लेकर जाओ, उनसे बात करो मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो इससे कुछ प्लस पॉइंट है, मतलब वो बंदे को जल्दी जॉब मिल सके। नहीं, उसमें क्या होता है, जैसे स्टाफ हम लोग, जैसे मेरे पास कोई आता है फॉर एग्जांपल, तो मैं एचआर को डायरेक्ट वहां पे रेफर कर सकता हूँ। तो अगर जब मैं रेफर करता हूँ, पर्सनली किसी को हम रेफर करते हैं, तो ऑब्वियसली वो उस चीज को पहले रिक्रूट देख लेते हैं, एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, तो डेफिनेटली कॉल में भी जल्दी आ जाता है उसके लिए। और मैं ये कहना चाहूंगा कि स्टाफ बहुत सपोर्टिव है, अगर आप विजिट करते हैं आईसीआईसीआई बैंक में किसी भी सपोर्ट के लिए, तो स्टाफ डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेगा, आपकी क्वालिटीज हैं, तो एचआर आपको ओवरव्यू करेगा। और मतलब अब लास्ट ये क्वेश्चन है कि मतलब किस क्वालिटी, जैसे एक कैंडिडेट्स का क्वेश्चन रहता है कि सर हमने बीए की है या फिर बीकॉम की है, अब कई कहते हैं हम साइंस के स्टूडेंट हैं या कुछ ऐसे हैं, तो किसके लिए प्रेफरेबल है बैंकिंग सेक्टर में जाना, और किसको मतलब अपनी फील्ड में रहना चाहिए? कि बैंकिंग सेक्टर ना, हम ये बोल सकते हैं कि जैसे क्रिकेटर में होता है ना ऑलराउंडर, ऐसे बैंकिंग सेक्टर सबके लिए बेस्ट फिट है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो वो आप कहीं ना कहीं डेफिनेटली फिट होंगे ही वहां पर। मे भी हो सकता है आप ब्रांच बैंकिंग के लिए, अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट से हैं, अपने एमबीए सेल्स से या फाइनेंस से किया हुआ है, तो आप ब्रांच बैंकिंग में फिट हो सकते हैं, या आप अगर रिस्क एनालिस्ट डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, तो हर डिपार्टमेंट में आप कहीं फिट हो सकते हैं, या मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं आपके लिए। ठीक है, मतलब बैंक सबको पनाह दे ही देगी, जाकर इंटरव्यू दो आपका हो जाएगा आगे। जी जी तो ये हो गया प्रॉपर हमारा जो आज के हमारे कुछ पॉइंट्स थे, बाकी आप अगर कुछ कैंडिडेट्स को और कहना चाहते हैं तो आप कुछ कह सकते हैं अब लास्ट में। बाकी मैं अपने फ्रेंड से बस यही कहना चाहूंगा कि आप ना अपने, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आप अभी या कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बस अपना फाउंडेशन थोड़ा साउंड रखिए, अपना जो बेसिक आपका नॉलेज है उसको, क्योंकि ना मैं एक ही टिप देना चाहूंगा कि इंटरव्यू में आपकी नॉलेज नहीं देखी जाती कोई भी कंपनी, एक्स वाई जेड, मैं किसी कंपनी को यहाँ पे हाईलाइट नहीं करूंगा, कोई भी कंपनी है आपकी जिसके लिए आप जाने वाले हैं इंटरव्यू के लिए, वो आपकी नॉलेज पे वर्क कर सकते हैं। ठीक है, आप फ्रेशर हैं, वो डेफिनेटली, देखिए मैं भी कभी फ्रेशर था, जैसे आप अभी फ्रेशर हैं, तो हर कंपनी फ्रेशर पे वर्क करती है, बट आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस चीज को समझने के लिए, एक ईगर होना चाहिए कि नहीं मुझे यार ये करना है, मुझे अचीव करना है, मुझे समझना है। एक अच्छा आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, इंटरव्यूअर सिर्फ आपका कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आई कॉन्टेक्ट देखता है, बाकी नॉलेज मैटर नहीं करता। नॉलेज के लिए हर कंपनी आपके ऊपर वर्क करेगी, आपको साउंड बनाएगी, आपको मोल्ड कर लेगी वो अपने अकॉर्डिंग। मैनेजर का रोल ही होता है कि अपने रिपोर्ट इसको मोल्ड करना एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप नॉलेज को लेकर कभी खुद को डाउन फील ना करें, अपने कॉन्फिडेंस के साथ जाएं और इंटरव्यू फाइट करें, और इजीली आपका होगा, तो आप बेस्ट ही परफॉर्म करेंगे। तो मतलब यही है कि रिजल्ट इंटरव्यू में जाने के लिए एक तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस ही आई कॉन्टैक्ट वो बनाएगा। तो बेसिकली मतलब यही, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जैसे कि मैं अपनी ओर से कहना चाहता हूँ कि अपने ना आसपास की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जितनी भी इंटरव्यूज़ दी हैं ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मतलब आपके नियर बाय कौन सी कोई फेमस जगह बताओ। बिल्कुल, उसका एक कारण होता है जो मुझे समझ में आया कि वो बंदा देख रहा है कितनी अवेयरनेस है। बिल्कुल, कितना अवेयर है कैंडिडेट अपनी सराउंडिंग को लेकर। अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी सराउंडिंग को लेकर ही अवेयर नहीं हूँ, तो ऑर्गेनाइजेशन में मेरे साथ में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता होगा, तो वो भी कहीं लैग पॉइंट हो सकता है मेरे लिए। तो ये तो नॉर्मल है कि हमें अवेयर होना चाहिए अपनी सराउंडिंग के लिए। मतलब यही है ना कि कैंडिडेट आज करते क्या है कि ज्यादातर ना मतलब जो स्टूडेंट है सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, वो बुक्स पढ़ी है, सराउंडिंग की नॉलेज नहीं रखते। कहा ना कि कंपनी को नॉलेज ज्यादा नहीं चाहिए, तो आपको ना मतलब बुक्स में नहीं घुसना है कि बुक्स में आपको डीप नॉलेज आपने ले लिया बट आप बोल नहीं पा रहे हो कस्टमर से। एज ए एग्जाम्पल, आप अगर बैंकिंग सेक्टर में, आप ब्रांच बैंकिंग में आते हो, आपको नॉलेज पूरा है, प्रॉपर नॉलेज है, लेकिन आप अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो कस्टमर को, उनका क्वेरी समझ नहीं पा रहे हो, क्वेरी रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो, देन यू आर नॉट फिट फॉर दैट रोल। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऋषभ भाई, आपने हमारे कैंडिडेट्स के लिए अपना टाइम निकाला है, उनको सारी चीजें बताई है। कहना चाहिए मुझे कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने फ्रेंड से आज चीजें, कुछ पॉइंट डिस्कस कर पा रहा हूँ, अपने थॉट्स। थैंक यू कपिल भाई जी, और बाकी आपसे, सभी आपसे चीजें सीखेंगे
और मेरा ये मानना है कि अगर हमारी इस इंटरव्यू से किसी एक कैंडिडेट की सिलेक्शन हो जाती है या फिर वो लाइफ में कुछ अचीव कर लेता है तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसे लगे हैं, कौन से पार्ट आपको इसमें से जो आपके काम बहुत ज़्यादा आया है, और कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप और भी चाहते हैं कि हम आपको उसका आंसर दें तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हम दोनों आपको मतलब मैं डिस्कस करूंगा भाई के साथ, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ तो इसका रिप्लाई भी आपको जरूर देंगे। तो ये पूरी थी इंटरव्यू की वीडियो। लास्ट में फिर से बता दूं, भाई को है नियर अबाउट 4 ईयर्स का ICICI बैंक का एक्सपीरियंस है, तो इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं वो बिल्कुल रियल हैं, ठीक है, क्योंकि कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, रियलिटी आपको बताई है। तो बस आपको फॉलो करना है और अपने कैरियर में आगे बढ़िए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय।